friends, and welcome back to this session of my English class. Today, we are going to continue the chapter Thrills of Kanha Kisli. Kanha Kisli, ये जो हम chapter पढ़ रहे थे अपने पिछले session में, इसी का आज continuing part पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो cousins हैं दोनों, जो बच्चे बात कर रहे हैं, उनमें और क्या बातें होती? तो आइए, without wasting time, let's read the chapter Thrills of Kanha Kisli. So in the last session, we have read that Suvigya and Dev are cousins. Suvigya और Dev cousins हैं. और Dev जो है, वो Suvigya को बता रहा है कि वो अभी हाल ही में Kanha Kisli National Park गया था. तो उसके बारे में सारी जानकारी दे रहा है और Suvigya उससे तरह-तरह के सवाल पूछ रही है. तो अब हमने देखा last session में कि Suvigya पूछती है, which animals did you see there? यानी कि तुमने वहाँ पे कौन से जानवर देखे? Oh, the most attractive creature of Kanha National Park is the tiger. मतलब कि देव कहता है कि जो सबसे ज्यादा आकर्षक जो क्रिएचर है Kanha National Park का वो है टाइगर यानी कि बाघ. Luckily, I had a glimpse of the tigers. सौभाग्यवश मुझे जो है टाइगर्स का यानी कि बाघ का एक glimpse मिला यानी झलक मिली. मैंने उनको देखा. People go on elephants for locating tigers. लोग जो है टाइगर्स को देखने के लिए एलिफेंट्स पर जाते हैं यानी कि हाथियों पर बैठ के जो है टाइगर्स को देखने के लिए निकलते हैं वहां पे. इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस. तो देव कहता है कि ये सचमुच बहुत ही रोमांचक होता है टाइगर्स को देखना, बाघों को देखना, कि वो जब बैठे हुए होते हैं या फिर लाइंग यानी कि लेटे हुए होते हैं इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस, जो अंदर जो झाड़ियों में बहुत ही जो घनी झाड़ियां होती हैं और जो हेजेस होते हैं वहां पे जब बैठे हुए या लेटे हुए उनको देखना, ये बहुत ही रोमांचक होता है. उनको मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना बहुत ही रोमांचक होता है. आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलेट. मैंने एक टाइगर को देखा था, वो पानी पी रहा था और नियर बाय रिवलेट यानी कि पास के ही एक छोटी सी नदी, रिवलेट नहीं छोटी सी नदी, छोटी सी नदी से पानी पीते हुए मैंने एक बाघ को देखा. वी हैपेंड टू सी अ टाइग्रेस अलोंग विद हर टू कब्स. और हमने एक टाइग्रेस को भी यानी कि बाघिन को भी देखा, उसके साथ दो उसके कब्स थे. कब्स यानी जो टाइगर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ उसके दो कब्स भी थे टाइग्रेस के साथ. और हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स. और उसकी जो आंखें थी वो कंचों जैसी चमक रही थी. ग्लास बॉल्स यानी कंचे, तो कंचे जैसी उसकी आंखें चमक रही थी. Suvigya पूछती है, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, कि क्या टाइगर्स जो है वो पर्यटकों पे आक्रमण नहीं करते, अटैक नहीं करते. देव कहता है, नॉट जनरली, कहते कि साधारणतः नहीं होता ऐसा. पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, लोग जो है जंगल में बहुत ही शांति से जाते हैं. पीपल एंड इवन चिल्ड्रेन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल. लोगों को और बच्चों को खास करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उनको जो है बताया जाता है कि वहां पे क्वाइट रखना है, उन्हें चुपचाप शांति से रहना है इनसाइड द जंगल. जंगल के अंदर उन्हें शांति से विचरण करना है, ऐसा उन्हें निर्देश मिलते हैं. वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और इसके साथ ही हमें कुछ उनसे दूरी भी बना के रखनी पड़ती है. Suvigya कहती है, aren't there some other animals? क्या वहां पे कुछ और एनिमल्स, कुछ और जानवर नहीं है? देव बोलता है, Yes, there are. हाँ, वहां पे है और जानवर भी है. We saw black bucks. तो अब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है वो कहते हैं कि हमने ये जानवर भी देखे वहां पे. कौन कौन से जानवर? ब्लैक बक्स, चीतल, सांबर, डियर, डियर यानी कि हिरण, स्पॉटेड डियर यानी कि जो जिनके शरीर पे से स्पॉट्स होते हैं जैसे कि ये देखिए, गॉर्स, इंडियन बाइसन यानी कि भारतीय सांड जिसको बोलते हैं गॉर्स, ठीक है, हॉर्न एंटीलोप्स, जो सींग वाले हिरण होते हैं, स्टैग्स, बारहसिंगा, तो ये सारे जानवर भी हमने वहां देखे. इट इज द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स. ये जो है यानी कि ये जगह जो है ये हैबिटेट है यानी कि रहने की जगह है 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स यानी कि 20 प्रजातियों के, मैमल्स की 20 प्रजातियां. मैमल्स यानी क्या? जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जो जीव है उनकी 20 प्रजातियां यहाँ पे हैबिटेट करती रहती है. देयर आर पाम स्क्विरल्स, इसके अलावा वहां पे स्क्विरल्स यानी गिलहरी है, एप्स हैं, लंगूर है ना, और मंकी, बंदर है, जैकल है, वाइल्ड पिग है यानी कि जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग है, जंगली कुत्ता,
चौसिंघास यानी कि फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, जिसके कि चार सींग है ऐसे एंटीलोप, ऐसे हिरण, हाइना है एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, और इसके साथ ही जंगली बिल्लियां भी प्लेंटी यानी बहुत सारी वहां पे मिलती है। सुविज्ञा, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, तो कहती कि जरूर बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई है कि कितने सारे पक्षी भी हैं, पशु भी हैं। इट इज रियली वर्थ सीइंग, देव कहता है कि हाँ ये सच में बहुत अच्छी जगह है देखने की। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट, जो बर्ड लवर्स है, जो पक्षी प्रेमी है, वो भी यहाँ की साइट, यहाँ का दृश्य एंजॉय करते हैं। देर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, कान्हा में 200 जो है प्रजातियां हैं पक्षियों की। वॉटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो पानी के पक्षी होते हैं वो भी पूल्स के पास आराम से दिखते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, अगर पक्षियों को देखना है तो सबसे जो बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा जो समय है वो है अर्ली मॉर्निंग यानी एकदम सुबह का, या फिर लेट आफ्टरनून दोपहर को देरी से। इवन कॉमन फाउल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स आर अबेंडेंटली फाउंड, तो वो कहते हैं कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही हैवी इसमें जो है ये सारे जो बर्ड्स हैं ये भी वहां पे मिलते हैं, जितने भी बर्ड्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे। सुविज्ञा कहती है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तो कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांचक जगह के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, तो मैं जो है अगले साल अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ कान्हा जाने का प्लान बनाऊंगी समर वेकेशन में, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, तो देव कहता है कि लेकिन किसली पहुंचने का प्रयत्न करना तुम सनसेट से पहले, यानी कि जब सूर्यास्त होता है उससे पहले किसली पहुंचने की तुम कोशिश करना। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि व्हीकल्स जो व्हीकल्स हैं जितने भी, उनको जो है परमिशन नहीं है कि सनसेट के बाद अंदर जाने दिया जा सके, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का उसमें फिर बाधा पड़ती है, इसलिए उसके बाद नहीं जाने देते। द चिल्ड्रेन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, इसके बाद बच्चों को डिनर के लिए, रात के खाने के लिए बुला लिया गया और ये जो इनका डिस्कशन था, जो वार्तालाप चल रही थी, वो एक बहुत ही अच्छे नोट पे खत्म हुई। वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन कैप्ट इन कैप्टिविटी, यानी कि जंगली जानवर जो है सफर करते हैं, यानी बहुत ही उनको दुख होता है जब उनको कैप्टिव कैप्टिविटी में रखा जाता है, यानी कि अगर उनको कैद रखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते, बहुत सफर करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज पार्ट आज स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट है रीड एंड लर्न, कुछ नए वर्ड्स है तो देखते हैं हम कि इनका प्रोनंसिएशन कैसे करना है, आप भी वैसे ही सीखिए। स्प्लेंडेड, सिचुएटेड, अप्रोच, रिजर्व, क्रिएटेड, एग्जिस्टेंस, एडमिनिस्टर्ड, इंस्पिरेशन, वाइल्ड लाइफ, टूरिज्म, फर्निश्ड, फैसिलिटीज, फैसिनेटेड, राइन्स, नेशनल पार्क, ग्लिम्स, क्वाइटली, इंस्ट्रक्टेड, मैमल्स, स्क्विरल, एडवाइजेबल, इन्यूमरेबल, फ्लोरा एंड फौना, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैंने प्रोनाउंस किया है, आप भी वैसे ही प्रोनाउंसिएशन का कोशिश कीजिएगा। नाउ सी वर्ड पावर, वैसे तो हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब एक बार इसको देखते हैं। द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। इट इज द सेम ऑर्डर इन विच यू हैव लर्न्ड द अल्फाबेट एबीसीडी, आपने जिस तरह से एबीसीडी सीखा है बिल्कुल वैसा ही डिक्शनरी में भी होता है। सो द वर्ड्स दैट बिगिन विद द लेटर्स दैट कम अर्लियर विल बी प्लेस्ड फर्स्ट, इसलिए जो वर्ड पहले रखा जाएगा उसका लेटर, जो लेटर पहले आता होगा वो वर्ड पहले रखा जाएगा। दस बैटल विल बी रिटन बिफोर कॉल, तो इसलिए जो बैटल शब्द है वो कॉल के पहले आएगा, यानी पहले बैटल आएगा फिर कॉल आएगा। When the first letter of two words is the same, जब पहला letter दो शब्दों का same होता है, then the second letter is considered, तो तब दूसरा शब्द जो है consider किया जाता है, उसको देखा जाता है। मैंने आपको पिछले session में ये बताया भी था, तो पहला अगर अक्षर same है तो दूसरा देखेंगे। Thus climate will be written before cobbler, तो ऐसे ही climate जो है cobbler से पहले लिखा जाएगा, तो हमने देखा L O से पहले आता है। If the second letter of two words is the same too, अगर
दूसरा शब्द भी दोनों वर्ड्स का सेम है तो देन वी कंसिडर द थर्ड, तब हम तीसरा शब्द देखते हैं, तीसरा अक्षर देखते हैं उसका, एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, इस तरह से हम देखते हैं। Thus, abacus will be written before abdomen. तो इस तरह से जब abacus जो शब्द है वो abdomen से पहले लिखा जाएगा, कि A, B same है, तो पहले A आता है, फिर D आता है, ठीक है ना? As the first two letters A and B are the same, कि जो पहले दो शब्द है, अक्षर है जो वो same है। The third letter is considered, तो तीसरा letter इसमें consider किया गया। The third letter of abacus is A and that of abdomen is B. तो अबेकस और एब्डोमेन में जो तीसरे शब्द है, तीसरा अक्षर है, वो ए और डी है। तो इस तरह से सिंस ए कम्स बिफोर डी, अबेकस इज रिटन बिफोर एब्डोमेन, तो इस तरह से इसमें देखा जाता है। तो ये आज हमने देखा, अब अगली सेशन में हम और आगे इसके एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। आइए अब और जो आगे की इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो हम रिटन में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स लर्न एक्सरसाइज। गिव द प्लूरल फॉर्म। आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ाई होगा बचपन से, जो एक वचन बहुवचन आप हिंदी में बोलते हो वही सिंगुलर प्लूरल होता है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं तो उनका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। देखिए, पोनी, पोनीज क्या होता है, जब एंड का लेटर वाई है और जो अगर वाई के पहले हमारा कंसोनेंट लगा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वॉवेल्स और कंसोनेंट दो तरह के शब्द होते हैं ना, दो तरह के लेटर्स होते हैं। तो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको छोड़ के जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। तो जब हमारा एक जो वर्ड है पोनी है, जिस तरह से इस तरह का कोई शब्द आ गया, वाई एंड में है और उसके पहले कंसोनेंट है, तो वाई की जगह आई ई एस ऐसा आ जाएगा, देखिए पोनीज, ठीक है ना। अब है लीफ, तो अगर एफ एंड में है और ए यानी कि वॉवेल पहले है, उसके जस्ट पहले वॉवेल है, तो F की जगह वी ई एस आ जाएगा। देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, इसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो F के पहले A वॉवेल है तो फिर उसमें F की जगह V आ गया, ओके। ऑक्स, ऑक्सन सिंपल है। कंपनी, कंपनीज। अब देखिए यहाँ भी जैसे पोनी पोनीज था, कंपनी कंपनीज। Y, Y के पहले कंसोनेंट है तो हमने Y हटा के आई ई एस लगा दिया। मंकी, मंकीज। यहाँ पे क्या किया हमने, चूंकि वाई के पहले ई है जो कि वॉवेल है, तो वाई का आई नहीं हुआ, सिर्फ एस लगा दिया, मंकीज हो गया, क्लियर है। देन डियर का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। देखिए मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, ठीक है, ए की जगह ई, ऐसे ही सर्वेंट का सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट्स। डजन, डजन्स, सिंपल है इसमें। देन पियानो, पियानोज। अब देखिए ओ जब एंड में है और उसके पहले कंसोनेंट है तो हम सिंपल एस लगा देते हैं। प्रूफ, प्रूफ्स, ओके। यहाँ पे एफ के पहले क्या है, ओ है, जैसे कि यहाँ पे एफ के पहले ए था यानी कि वॉवेल था तो हमने एस लगाया, तो वैसे इसमें एफ के पहले ओ है जो कि अगेन एक वॉवेल है तो हमने एस लगा दिया। टोमेटो, टोमेटोज। अब यहाँ पे देखिए ई एस लगा है, क्यों लगा है, बिकॉज ओ के पहले टी है जो कि एक कंसोनेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई एस लग गया। आर्मी, आर्मीज, अगेन एम विच इज अ कंसोनेंट, ठीक है, तो आर्मीज हो गया, आई ई एस वाई की जगह आई हो गया। नाइफ, नाइव्स, अगेन लास्ट में ई है, ठीक है ना, नाइफ और एफ ई है, देखिए के एन आई एफ ई, तो एफ की जगह वी लग गया, ठीक है। फिर माउस, माइस, इसका तो टोटली डिफरेंट है। और लेडी, लेडीज, इसमें भी वाई के पहले डी है जो कि कंसोनेंट है, तो वाई की जगह आई आ गया एंड देन ई एस। तो ये जितनी बातें बताई हैं इनको आप फिर से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आई एक बार दो बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और ये आप अच्छे से, ये रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल करने के जो आप समझ जाए अच्छे से। अब है नेक्स्ट, राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब इसमें क्या करना है, हमें अपोजिट जेंडर देना है, ठीक है ना, जैसे कि अपोजिट वर्ड्स होते हैं वैसे अपोजिट जेंडर होता है। एक्टर, एक्ट्रेस। किंग, क्वीन। मैडम, सर। फादर, मदर। फॉक्स, विक्सन। होस्ट, होस्टेस। हॉर्स, मेयर। आंट, अंकल। वाइफ, हस्बैंड। मैन, वुमेन। सन, डॉटर। मिल्क मैन, मिल्कमेड। तो ऑल दीज आर अपोजिट जेंडर। नेक्स्ट इज, देखिए, काओ, बुल। लायन, लायनेस। एंड मास्टर, मिस्ट्रेस। अब नेक्स्ट है, रीराइट दीज सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउंस।
हमें क्या करना है, सेंटेंस लिखे है, इसमें जो नाउन है उनके जेंडर चेंज करने. तो जेंडर ऑफ द नाउन्स, द पोएट रिसीव द प्राइज फ्रॉम द क्वीन. तो सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर कौन कौन सी थी, पोएट, तो यहाँ हो जाएगा पोएटिस. द पोएटिस रिसीव द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, तो क्वीन की जगह किंग हो जाएगा. यानी अपोजिट जेंडर से हमें एक्सचेंज कर देना है, बाकी सेंटेंस वो का वो रहेगा. सो द पोएटिस रिसीव द प्राइज फ्रॉम द किंग. नेक्स्ट इज द प्रीस्ट ब्लेस द हायरेस विद द क्राउन. द प्रीस्टेस ब्लेस्ड द हायर विद द क्राउन. ठीक है, तो ये दोनों नाउन थे हमारे, हमने इनको जेंडर चेंज कर दिया. द हंटर शॉट अ पीकॉक. द हंट्रेस, देखिए जो हंटर और हंट्रेस में स्पेलिंग जो चेंज हो रही है वो आप ध्यान रखिए, है ना, ई आर है तो ई हट गया, टी आर ई डबल एस हो गया. हंट्रेस शॉट अ पीकॉक, तो पीकॉक का पी हेन हो गया. मिसेस चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस. अब मिसेज है तो क्या हो जाएगा, मिस्टर. मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्टर, एक्ट्रेस की जगह हो गया एक्टर. द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स विद हिम. सो इसका क्या होगा, हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स. हॉर्स का भी बताया था हमने, मेयर. सो टुक द मेयर विद हर. अब हिम है, हिम का भी जेंडर चेंज होगा तो हिम का हर हो जाता है. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. यू मीट योर फ्रेंड राहुल एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स. नाउ टेल योर फ्रेंड विद राहुल व्हाट राहुल टोल्ड यू. यानी कि आप अपने फ्रेंड राहुल से मिले और उसने आपको बताया, कुछ चीजें बताएं. अब आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि राहुल ने क्या क्या चीजें आपको बताई है. तो देखिए कैसे लिखेंगे. राहुल सेड दैट ही विजिटेड कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज. राहुल ने बताया कि उसने जो है छुट्टियों में कान्हा किसली विजिट किया, वहां गया. ही रीच्ड देयर बाय बस, वो वहां बस से पहुंचा. ही लाइक्ड इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसको वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता थी अच्छी लगी. He went to Bagheera log huts, वहां वो बगीरा की log huts में गया. He saw many animals and birds, उसने वहां पे कई सारे पशु पक्षी देखे. He would like to visit it again, और उसे वहां फिर से जाना अच्छा लगेगा, पसंद आएगा. तो बच्चों आज कई सारी चीजें सीखी हमने. इसी नोट के साथ हम फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय, have a nice day. Thank you.